देखिए सभी राष्ट्रभक्त संपूर्ण देश में अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, जिसको जैसा लगता है वो वैसा कार्य करते हैं और इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार से कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जिसको जो लगता है भारत में स्वतंत्र हैं, कम से कम मुझे लगता है कि राष्ट्रद्रोह करने से अच्छा है कि हम कोई ना कोई ऐसे कार्य करते रहें जिससे राष्ट्र के लोगों को चेतना बनी रहे, राष्ट्रीय भावना का जागरण हो। और जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय ध्वज आज यहाँ फहराया है सबने मिलकर के, वो भावना सदैव बनी दीदी आज सीखता है। और ये बहुत ही दुर्दांत कार्य है क्योंकि जो अपराधी लोग हैं, इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग जो किसी भी प्रकार से स्त्री की शील का हरण, उसके चरित्र का हरण, उसकी मानसिकता, उसकी भावना, उसके भाव, उसके ममत्व का जो हरण करते हैं, निश्चित रूप से भयानक अपराधी होते हैं। इनको मृत्युदंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए। दीदी शिवराज जी ने 21 साल का उम्र का बोला। दीदी दीदी क्या देना आपको? ये तो निम्न मानसिकता का परिचय दे रहे हैं क्योंकि वैक्सीन पूरे देश के लिए बनी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये निःशुल्क दी है, जबकि ये बड़ी महंगी आती है, परंतु निःशुल्क दे करके और अपने पूरे देश को निरोगी बनाना है उनका ये उद्देश्य है, बड़े उद्देश्य को। ये छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी मानसिकता रखने वाले, दलगत राजनीति के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग ये उसकी क्रिटिसाइज करते रहते, इससे देशभक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना को हटाने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हैं और वो कार्य पूर्ण होगा।